हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आए हैं पुणे के वाकड़ इस लोकेशन में और हम देखने जा रहे हैं 3 BHK का सैंपल फ्लैट। एंटर करते ही दोस्तों ये है आपका एंट्रेंस लॉबी, जिसका साइज है 5 फीट बाय 4 फीट। यहाँ पर आपका शू रैक वगैरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है पुणे PCMC के एक रिनाउंड वेल नोन डेवलपर द्वारा ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते ही दोस्तों ये है आपका लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। 17 फीट बाय 10 फीट 10 इंचेस इसका साइज़ है, तो लगभग 17 बाय 11 का इसका साइज़ है। यहाँ पर आप आपकी सोफ़ा की अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसी के सामने यहाँ पर आप आपका TV यूनिट वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पर आप आपका डाइनिंग टेबल वगैरह रख सकते हैं। तो लिविंग एंड डाइनिंग एरिया की स्पेस काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज हो जाती है। लिविंग रूम को अटैच दोस्तों ये है आपकी बालकनी। बालकनी की साइज है 6 फीट बाय 10 फीट 6 इंचेस की। यहाँ पर आपको ग्लास रेलिंग देखने को मिल जाएगी। नीचे वुडन फिनिश की फ्लोरिंग टाइल्स दी हुई है। काफ़ी स्पेशियस बालकनी है। इस प्रोजेक्ट में दोस्तों आपको काफ़ी सारी मॉडर्न एमिनिटीज देखने को मिल जाती हैं। ये है आपका किचन एरिया। यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी स्पेस देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं आपके किचन के सारे जो यूटिलिटी आइटम्स है वो सब इसमें आसानी से आ जाएंगे। यहाँ पर एक सिंक दिया हुआ है एंड वाटर प्यूरिफायर के लिए भी प्रोविजन करके रखी है। आगे बढ़ते ही दोस्तों ये है आपका ड्राई बालकनी। इसमें भी आपको एक सिंक प्रोवाइडेड है, जहाँ पर आप यूटेंसिल्स वगैरह वॉश कर सकते हैं। तो एक सिंक आपका हो गया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वॉशिंग के लिए एंड सेकेंड सिंक हो गया आपका यूटेंसिल्स वॉशिंग के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपको वॉशिंग मशीन के लिए प्रोविजन करके रखी है। इनलेट, आउटलेट, इलेक्ट्रिकल पॉइंट वगैरह सब दिया हुआ है। दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरीके के नए नए वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना ना भूलें। यह है दोस्तों आपका फर्स्ट बेडरूम। आप इसे चिल्ड्रंस बेडरूम की तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी साइज़ है 10 फीट बाय 11 फीट का इसका साइज़ है। इसमें आपको एक निश स्पेस भी मिल जाती है, जहाँ पर आप आपके चिल्ड्रंस के लिए स्टडी टेबल वगैरह इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए बड़े साइज़ की विंडो प्रोवाइडेड है। सामने की तरफ यहाँ पर उनका चिल्ड्रंस का आप वार्डरोब वगैरह बना सकते हैं। यह है आपका कॉमन वॉश बेसिन एरिया। कॉमन वॉश बेसिन बाहर की तरफ दिया है ताकि आपके गेस्ट वगैरह आए तो यूज कर सकते हैं। यह है आपका कॉमन वॉशरूम। सभी वॉशरूम्स में आपको प्रीमियम फिटिंग्स एंड टाइलिंग्स देखने को मिल जाती है। इसका साइज है 6 फीट बाय 4 फीट 6 इंचेस का। आगे बढ़ते ही दोस्तों यह है आपका सेकेंड बेडरूम। आप इसे आपके मास्टर बेडरूम की तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ह्यूज साइज़ है, 11 फीट बाय 13 फीट का इसका साइज़ है। इसमें भी आपकी फर्नीचर की अरेंजमेंट आसानी से हो जाएगी। आपका बेड यहाँ पर आ जाएगा, उसी के साथ में सामने यहाँ पर आपका वार्डरोब आ जाएगा। उसके बगल में आप यहाँ पर आपका ड्रेसिंग टेबल कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके साथ अटैच दोस्तों ये है आपका मास्टर वॉशरूम, जिसका साइज़ है लगभग 7 फीट 8 इंचेस बाय 4 फीट 5 इंचेस का। इसमें भी आपको प्रीमियम फिटिंग्स एंड टाइलिंग्स देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों ये हाई राइज टॉवर है। इस मास्टर बेडरूम के साथ आपको एक बालकनी भी देखने को मिल जाती है, जिसका साइज़ है 6 फीट 3 इंचेस बाय 3 फीट 5 इंचेस का। डन फिनिश की फ्लोरिंग आपको देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये है आपका थर्ड बेडरूम। इसका साइज है आपको 10 फीट बाय 11 फीट का। आप इसे पेरेंट्स बेडरूम या गेस्ट बेडरूम की तरह डिजाइन कर सकते हैं। इसमें भी आपका कुछ इस तरीके से निश स्पेस दिया है। यहाँ पर आप रीडिंग टेबल वगैरह कुछ इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं या वर्क फ्रॉम होम की तरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए बड़ी साइज़ की विंडोज़ प्रोवाइडेड है।
आप इस तरीके से कुछ आपके फर्नीचर की अरेंजमेंट कर सकते हैं, आपका वार्डरोब, ड्रेसिंग टेबल वगैरह। इसके साथ भी अटैच आपको एक वॉशरूम मिल जाता है, जिसका साइज भी है 7 feet 9 inches by 4 feet 5 inches का। तो दोस्तों ये था 3 BHK का फ्लैट विथ 3 washrooms वाकड़ इस लोकेशन का। ये प्री लॉन्च स्टेज में है अभी। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं या ये प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।